जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ज़ीशान रफ़ीक, आज मैं न्यू सिटी पैराडाइस की एक न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। न्यू सिटी पैराडाइस की आप डेवलपमेंट भी देख रहे होंगे, उनकी जो अप टू डेट अभी तक जो उन्होंने अपना गेट टू ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको उसकी लोकेशन भी बताई, बुरहान इंटरचेंज से 0 किलोमीटर, और मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने बुरहान इंटरचेंज से लेके न्यू सिटी पैराडाइस तक की मैंने एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताई, एग्जैक्ट रूट टू रूट मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अभी तक लोकेशन वगैरह सही समझ नहीं आई तो आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस में आपको न्यू सिटी पैराडाइस की मतलब वो वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर रेट्स की हम बात करें, इसका जो सबसे पहला रेट था 18.5 लाख वाला, वो मैं आपको तकरीबन पिछले एक महीने से बता रहा हूँ कि मतलब वो क्लोज़ हो चुका है ना, और वो वाकई क्लोज हो चुका था। 19,75,000 वाला रेट चल रहा था, जिसकी अभी तक मतलब हमने कोई 150 से 200 बुकिंग्स भी कर चुके हैं ना, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि भाई हमें ओल्ड रेट दिया जाए, क्योंकि जो प्री लॉन्च था ना, प्री लॉन्च में हर किसी तक वो मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी, तो उस वजह से लोगों को उसके ओल्ड रेट का नहीं पता चला था। अब लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ओल्ड रेट फिर से खोला है, लेकिन वो मैक्सिमम सिर्फ 1 वीक के लिए। इसका मतलब ये कि आप अभी 2,30,000 जो बुकिंग है, और 2,30,000 इसकी कन्फर्मेशन है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको पूरी डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी ओल्ड रेट के लिए। मतलब जो 4,60,000 है, आपको वो पूरा 4,60,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप ओल्ड रेट पे अपनी बुकिंग चाह रहे हैं। तो इसी जैसे हमने न्यू रेट की बात की थी, जिसकी बुकिंग 2,45,000 है, मतलब 2,45,000 बुकिंग और 2,45,000 कन्फर्मेशन, जो बनती है 4,90,000। तो उसके लिए आप अगर सिर्फ बुकिंग देना चाहें तो आप न्यू रेट के लिए वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें ओल्ड रेट के अंदर आप चाह रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है ओल्ड रेट की, हर कोई ओल्ड रेट मांग रहा है, तो मैंने कहा आपको भी मैं उस चीज़ से मतलब आपकी भी नॉलेज में वो चीज़ मैं लाऊं, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आप लोगों को पता चले जो भी मार्केट के अप टू डेट है, आप लोगों को उसकी मतलब टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो ओल्ड रेट अवेलेबल है, ओल्ड रेट में अगर बुकिंग चाहते हैं तो आपको पूरी 4,60,000 रुपये अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज करके उसकी बुकिंग हमसे करवाएं। आगे इनकी 2 to 3 months में इनकी बैलेटिंग भी आ रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपने जाके डेवलपमेंट देखनी है। जब आप एक दफ़ा डेवलपमेंट देख लेंगे फिर आप उस प्रोजेक्ट से नहीं घबराएंगे, क्योंकि आजकल जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके एनओसीज के इश्यूज हैं। मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही अपना एनओसी अप्रूव करवा के आया हुआ है, मतलब इसके पीछे एक बड़ा नाम है, न्यू सिटी वालों का नाम है। न्यू सिटी को ऑलरेडी जो वाक एंड के एरिया के करीब रहते हैं, इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं, वो ऑलरेडी न्यू सिटी वाक एंड की रेपुटेशन जानते हैं। न्यू सिटी 2 भी उन्होंने देखा है, आर्केड मॉल, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि भाई आर्केड मॉल किस हिसाब से बना हुआ है, कितनी वहाँ पे न्यू सिटी 2 के अंदर कितने रिहायशी लोग हैं, कितने ज़्यादा वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट के ब्लॉक तक ऑलरेडी पोजिशनेबल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे लोगों की रिहाइश भी मुमकिन बना चुकी है अभी तक ना, पानी गैस बिजली हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज में एक डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको पता है ये जो हालात हैं इसमें लोग डर डर के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई अब, लेकिन मैं आप मेरे ही बताने का मकसद ये है कि अगर आप न्यू सिटी पैराडाइज में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि उसका आपको जो प्रॉफिट है वो साथ साथ मिलता रहेगा। अब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर जब तक बैलेटिंग आती है तब तक इन्वेस्ट करें, तब तक ये होगा अगर आपकी फॉर सपोज आपकी खुशकिस्मती की वजह से आपका प्लॉट निकल जाता है बैलेटिंग में, तो फिर आप उस चीज़ को रीसेल करके अपनी वैल्यू डबल कर सकते हैं उस प्लॉट की ना। अब आपके ऊपर जब आपको नज़र आएगा कि आपकी वैल्यू, प्लॉट की वैल्यू डबल हो रही है, फिर आपका दिल नहीं करेगा उस चीज़ को बेचने का। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका अभी तक माइंड है कि आप न्यू सिटी पैराडाइज में इन्वेस्ट करें, अभी तक आपको अगर मेरी वीडियोस से या मैंने जो लोकेशन वगैरह दिखाई हुई है उससे भी अभी तक आइडिया नहीं हुआ, तो काइंडली मेरे साथ एक दफ़ा न्यू सिटी पैराडाइज का विजिट कर लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। जीटी रोड से भी उसका कितना ईजी एक्सेस है, मोटरवे से भी उसका कितना ईजी एक्सेस है, तो मतलब एक
गुड सीन है। तो हम ऐसे ही आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं, आप लोगों के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के मौके बताते रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन सी सोसाइटी ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हम आपको बताते हैं रीसेल के क्या मामलात चल रहे हैं, अगर आपने घर रेंट करना है, घर बाय करना है, उसके लिहाज से भी हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कुछ भी सवालात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।